Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं 2021 एडिशन लेकर एक्सपल्स 200 का, आप लोगों को दिख रहा होगा। और इस पर एक नया फीचर ऐड किया गया है, वो है ऑयल्ड कूलिंग सिस्टम, जो इस पर अब ऐड कर दिया गया है। और बाइक देख लो, कंप्लीट ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी हुई है, एडवेंचरस एक्सपल्स 200। और ये समझ जाओ सबसे सस्ते दामों में एक आपको कंप्लीट ऑफ रोडर मिल जा रहा है। इसके फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं। पहले शुरुआत करते हैं अब से, तो ऊपर आप देख सकते हो वाइज़र है, और इसकी हाइट आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अप एंड डाउन हो जाएगा आराम से। फ्रंट फेस देखो तो LED में प्रेजेंट है कंप्लीट सर्कल पे। और ये स्टार्ट करते साथ ये छोटा सा DRL जलेगा, जो हाफ सर्कल पे दिया हुआ है, हाफ का एक पार्ट है। और आगे LEDs में दिए हैं, राइट लेफ्ट इंडिकेटर आपके बल्ब में है और फिक्स्ड है। अब साइड में आते सस्पेंशन देखो, सस्पेंशन काफ़ी ऊंचा है इसका, और फ्रंट टायर भी बहुत ही बड़ा बनाया गया है। 21 इंच का टायर है फ्रंट का, मतलब व्हील है 21 इंच का, और टायर डायमेंशन है 90x90 का। और पूरे अच्छे खासे बटन्स देख सकते हो आप टायर पे दिए हुए हैं, जो कंप्लीट ऑफ रोड करने में आप लोगों को हेल्प करेगा, कोई वैसे दिक्कत प्रोवाइड नहीं करेगा। और इसका जो मडगार्ड है वो भी फ्री फ्लो है, आप लोग चाहो तो हटा सकते हो, बट हटाना नहीं, कॉज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस पर मॉडिफिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं कंप्लीट, अगर आप लोगों को टूरिंग करना है इस पर तो। फ्रंट व्हील आप देख लो बहुत ही बड़ा है, स्पोक व्हील प्रेजेंट है, ABS भी प्रेजेंट है इस पर, और फ्रंट डिस्क आपको दिख रहा होगा। टायर डायमेंशन वगैरह बता दिया, C8 का टायर इस पर आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखो कैटालिटिक कन्वर्टर एंड ऑल, और नीचे इंजन गार्ड दिया हुआ है यहाँ पे, और उधर ऑयल कूलिंग सिस्टम का दिख रहा होगा, रेडिएटर एंड ऑल। और आप लोग साइड गार्ड भी देख सकते हो, लेग गार्ड जो इस पर दिया हुआ है। तो मैं हैंडल बार पे मूव करते हैं, कंप्लीट स्ट्रेट हैंडल है, आपको दिख रहा होगा। हैंडल गार्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं जो वाइट कलर में प्रेजेंट हैं, जो बाइक के साथ काफ़ी अच्छे जज रहे हैं, कॉज पूरी बाइक जो है वाइट और ब्लैक के टेक्स्चर में है। और उसी तरह आपको हैंडल गार्ड वगैरह वाइट पर दिया हुआ है। और इसका ये हाई बिन लो बिन का रहा, और पास लाइट का। और नीचे आते तो राइट लेफ्ट इंडिकेटर हॉर्न हो गया, इधर इग्निशन एंड किल स्विच वगैरह। बाइक को करते हैं एक बार स्टार्ट, तो आप लोग देख लो स्टार्ट कैसी होती है। राइट लेफ्ट इंडिकेटर का आपको दिख रहा होगा, और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ हाई बीन का। ABS का लाइट, इंजन लाइट, न्यूट्रल, और ट्रिप वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। गियर पोजीशनिंग बताएगा, मतलब गियर कितना है आपका, ये रहा RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टाइम वगैरह हो गया, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप 2, ट्रिप 1, उसके बाद पेयरिंग। तो ब्लूटूथ पेयर करके आप नेविगेशन वगैरह देख सकते हो। हालांकि जो 2020 एडिशन थी उसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था इसके ब्लूटूथ पेयरिंग पे, आई बटन पे आ रहा होगा, देख लेना, बेकार का वीडियो को लंबा करे कोई फ़ायदा नहीं है। और इको वगैरह एंड ये रहा ट्रिप, तो इस पर आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जितना आपको रहना चाहिए, और की पोजिशनिंग यहाँ पे। अब आते हैं टैंक पे, तो 13 लीटर्स का टैंक आपको मिल जाता है, और एक छोटा सा टैंक बड़े यहाँ पे देख रहे होगे। सीट की बात करें, सीट की जो लेंथ है काफ़ी सही है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 3 जन आराम से बैठ सकते हैं, कोई वैसा दिक्कत नहीं होगा। हालांकि 3 जन इलीगल है, कोई बैठ मत जाना यार, 2 ही चलना। और यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह अटैच करके आराम से घूम सकते हो। एसेसरीज़ भी आती है इसकी, एक एसेसरीज़ रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने बनाया, फुली लोडेड था एक्सपल्स, उसका भी लिंक आ जाएगा। और एक्सपल्स का लोगो मतलब ग्राफिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये टेक्सचर वगैरह काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। FI भी प्रेजेंट है बाइक में। स्टार्ट करते हैं एक बार, एग्जॉस्ट साउंड वगैरह सुनाते हैं आप लोगों को। ये हो गई बाइक स्टार्ट। फ्रंट हेडलैम्प देख लो, जो आपके LED में प्रेजेंट है, और नीचे साउंड आप लोग सुन लो। किक भी दिया हुआ है इस पर, कोई वैसी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपका बैटरी वगैरह बाइक का डाउन होता है तो किक मार के स्टार्ट कर सकते हो। एक बार साउंड के मज़े लो आप लोग। और इसका एग्जॉस्ट जो है ग्राउंड से बहुत ही ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसा क्यों है, कॉज
इस बाइक पे आप लोग आराम से वाटर क्रॉसिंग वगैरह कर सकते हो, तो आप लोगों को कोई वैसी दिक्कत नहीं होगी कि आपके एग्जॉस्ट में पानी वगैरह घुस जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत आएगा। ये जो पोर्शन है इतना आपको दिख रहा होगा, ये आपको वाटर क्रॉसिंग करने में बहुत अच्छा खासा हेल्प करेगा, कॉज वाटर घुसेगा ही नहीं इस पर। और इसके चलते एग्जॉस्ट इसके ऊपर में दिया हुआ, हालांकि थोड़े बहुत बैठने में प्रॉब्लम होंगे, बट ये आपको दिख रहा हो ये पोर्शन जो दिया है ये आपका हीट नहीं होगा, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं, आराम से बैठ सकते हो। बट ये पोर्शन हीट हो सकता है, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा देख कर बैठना होगा। हालांकि अगर आप लोग यहाँ बैठते हो तो आपके पैर यहाँ रखाएंगे, जो ये पोर्शन है फाइबर का बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हीट ट्रांसफ़र आपको करेगा ही नहीं। तो अब स्ट्रेट अवे इसके इंजन को डिफाइन करते हैं, जो आपके 200cc में प्रेजेंट है, ऑयल कूल है और सिंगल सिलेंडर के साथ आया हुआ है। 18.08 PS का पावर और 16.45 Nm का टॉर्क आपको मिल जा रहा है, और मैं बोलूँगा एडवेंचर करने के लिए 200cc में परफेक्ट बाइक है, एडवेंचर कर सकते हो आप लोग आराम से। और आते के साथ बहुत ही फेमस हुई है, कॉज एडवेंचर इसमें करने में बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। कमेंट करके बताना, एक बार ऑफ रोड टेस्ट ज़रूर करेंगे इसके ऊपर, ऑफ रोड में कैसा लगता है चलाने में, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना होगा, फिर मैं ट्राई करूँगा ज़रूर शोरूम से। टेल पे आते हुए टेल लैंप आपको दिख रहा होगा, टेल लाइट इसका राइट लेफ्ट इंडिकेटर जो हैलोजन में प्रेजेंट है। आते हैं रेयर टायर पे, तो रेयर टायर का डायमेंशन इसका है 120x80 का, और जो व्हील साइज़ है वो 18 इंच का है स्पोक व्हील, और मैं मानूँ तो बहुत ही चौड़ा टायर है, और काफ़ी अच्छे अच्छे ग्रूव यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आपको ऑफ रोड में बहुत मज़ा आने वाला है। जिसके लिए रेयर सस्पेंशन देखोगे आप तो वो आपको दिख रहा होगा मोनोशॉक में प्रेजेंट है रेड कलर पे, और साइड स्टैंड वगैरह दिया हुआ है इसमें। मेन स्टैंड है नहीं, कॉज पेडॉक स्टैंड पे बाइक खड़ी है, और मेन स्टैंड आप लोग देखो नीचे में नहीं दिया हुआ है। तो गाइज ओवरऑल रिव्यू आपको बाइक का मिल गया होगा, काफ़ी सही है ट्रैवलिंग के मामले में, और सस्पेंशन वगैरह देख ही रहे हो, और एग्जॉस्ट इसका कहाँ है। अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्रेजेंट है शांति हीरो में, जो प्रेजेंट है गिरिडीह में, और ये 2021 एडिशन है एक्सपल्स 200। प्राइस की बात करते हैं तो एक शोरूम प्राइस जो है वो है 1,15,230 रुपीज़, और ऑन रोड वगैरह जानना है तो आप लोग फ्री हो कॉल करने के लिए, शोरूम को कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया हुआ है शोरूम का डिस्क्रिप्शन, और ऑन रोड आप लोग बता देंगे आराम से, आप लोग कॉल करना, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं बोलूँगा ये बेस्ट है अपने प्राइसिंग रेंज में ट्रैवलिंग करने के लिए, एक्सपल्स 200। अब चलिए वीडियो करते हैं एंड, होप सो पसंद आया होगा। बाइक की की फीचर आपको पता चल गया होगा, नेविगेशन वगैरह भी दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह, ऑयल कूल में प्रेजेंट है, सस्पेंशन काफ़ी सही है, और टायर्स वगैरह की बात ही नहीं करना यार, खतरनाक ऑफ रोडिंग टायर दिया हुआ है, और ABS भी प्रेजेंट है आपको, और जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर में है, कॉज जो आपको वाटर क्रॉसिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा हेल्प करने वाला है, कोई वैसा दिक्कत प्रोवाइड नहीं करेगा। चलिए वीडियो करते हैं एंड, होप सो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।